सकते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का हमारा है आहारक शरीर। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति इस शरीर के माध्यम से ही सारा कार्य करता है। अगर शरीर नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए कार्य की निष्पत्ति के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। और कुल शरीर 5 तरह से होते हैं, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये आहारक, तेजस और कार्मण, ये तीनों शरीर बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आहारक शरीर की। अलग अलग समय में अलग अलग शरीर की कंपोजिशन, उसकी क्या उपयोगिता है, उसका कार्य क्या है और कौन से जीव उसको उपयोग में लाते हैं, वो बताया जाएगा। आज हम आहारक शरीर के विषय में बात करते हैं। तो आहारक शरीर क्या होता है? करीब एक हाथ का पुतला बनाया हुआ एक शरीर होता है, जो कोई भी शिष्य या विद्वान, जिसको कि आहारक लब्धि प्राप्त है जिसके पास में, वह उस पुतले को जो है वो अपने मंत्रोच्चार के साथ के अंदर, उसको कोई संशय होता है, उसको कोई प्रश्न करना होता है, तो वह अपने गुरु के पास में भेजता है और तुरंत ही आँख झपते ही वह आहारक शरीर है अपने गुरु से जो है वापस प्रश्न का उत्तर हो करके और उसी जो है वो भक्त के शरीर में जो है पुनः प्रवेश कर जाता है। ये आहारक शरीर कहलाता है। ये टेलीपैथी का माध्यम है। हम जो टेलीपैथी जो सिस्टम डेवलप हुआ था वो आहारक शरीर के आधार पर ही हुआ था। और आज हम बात करें वर्तमान के जो हमारे ग्लोबलाइजेशन के युग की बात करें, विज्ञान के युग की बात करें, तो आहारक शरीर का स्थान ले लिया है वह टीवी ने, मोबाइल ने, इंटरनेट ने। देखिए, आहारक शरीर के अंदर वो भावनाओं का पुतला होता था, उन भावनाओं को प्रेषित किया जाता, संप्रेषण किया जाता था, तो वो लाइव टू लाइव होता था। लेकिन ये जो अभी चल रहा है ये लाइव टू द जड़ के हिसाब से चल रहा है। कैसे? मैं आपको अभी जो ये प्रवचन कर रहा हूँ, ये मेरा प्रवचन जो है वो सारा इसी कॉस्मोस में शब्दों के रूप में इकट्ठा हो रहा है और शब्दों से इसकी वाइब्रेशंस बनती है, इसका कन्वर्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये वाइब्रेशंस जो है बन करके फिर टीवी के ऊपर और जो इंटरनेट के माध्यम के ऊपर, रेडियो के ऊपर और अलग अलग माध्यम से ये प्रसारित की जाती है। तो ये भी एक टेलीपैथी का सिद्धांत है। पुराने जमाने में विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए सारा लाइव कार्यक्रम होता था। देखिए कि दो तरह के सत्यान्वेषण है। एक तो जो होता है हमारा वैज्ञानिक है, वो फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर सत्य का अन्वेषण करता है, और एक अध्यात्म का वैज्ञानिक है, वह अध्यात्म की ट्रूथफुल चीज़ें होती है, वह जो है वो अपने शरीर को लेबोरेटरी बना करके और उसके ऊपर परीक्षण करता है। दोनों का जो है लक्ष्य होता है सत्य की प्राप्ति करना, सत्य का अन्वेषण करना, लेकिन दोनों का सत्य का अन्वेषण भिन्न भिन्न तरह का है। ये चेतन सत्य पर कार्य करता है, ये चेतना पर कार्य करता है और वह जड़ पर कार्य करता है। इसीलिए दोनों का स्वरूप अलग अलग है, जड़ का स्वरूप और चेतन का स्वरूप होता है। तो भाई और बहनों, आहारक शरीर एक बहुत बड़ी जो है पराविद्या और अपराविद्या से जुड़ा हुआ होता है। पराविद्या वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने इस टेलीपैथी के सिद्धांत से कहिए या आहारक शरीर के माध्यम से कहिए, वह अपनी भावनाओं को प्रेषित करता है अपने गुरु के पास में या अपने कोई भी रिलेटिव के पास में या जो भी उसका प्रिय उसके माध्यम से जाती है। और जो अपराविद्या होती है ये भौतिक जगत से जुड़ी हुई होती है और वो भौतिक चीज़ों का अनुसंधान करती है। तो भाई और बहनों, ये आहारक शरीर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। और जितनी हमारी विज्ञान ने ये जो टीवी की, मोबाइल की, इंटरनेट की और जितनी एसटीडी वगैरह जो बातचीत करने की गई है, उसी सिद्धांत के ऊपर आधारित हुई है।
और ये इसका सिद्धांत कैसे काम करता है, ये सारा वाइब्रेशंस के जगत पर काम करता है कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मोस, पूरा लोक है, ये वाइब्रेशन का जगत होता है। इसलिए कहा जाता है एक परिंदा भी इस वाइब्रेशन के जगत के अंदर, ये ब्रह्मांड के अंदर पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। क्यों हिलता है? कि वो हमारी वेव्स जो है प्रभावित होती है। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव्स और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये सारी हमारे वाइब्रेशन से जुड़ी होती है और उसी से जो है ये सारा ट्रांसमिशन होता है। तो सारा ब्रह्मांड के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है। आइंस्टीन ने ये ब्रह्मांड के लिए बताया कि E=mc², पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है। उन्होंने मास और सी के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके किया, यानी पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी भूत भविष्य और वर्तमान में एक समान रहती है, बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है, कोई वेस्टेज नहीं होता है, मात्र उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कि ठोस होता है वो द्रव्य में बदलता है, द्रव्य होता है वो गैस में बदलता है और इस तरीके से रूपांतरण होता रहता है। यही सृष्टि का नियम है। लेकिन जो है पूरी एनर्जी कभी भी नहीं बदलती। आज भगवान महावीर स्वामी 2500 से अधिक वर्षों पूर्व हुए थे, लेकिन उनकी वाणी को जो है आज इसी सिद्धांत के हिसाब से कैच किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और खोजा भी गया है मूल वाणी को। क्योंकि ये जो शब्द है हमारे पौद्गलिक है, ये ब्रह्मांड में रहते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं और इनको हम पकड़ सकते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के माध्यम से, और इसके माध्यम से ये हमारा रेडियो, टीवी और ये हमारा इंटरनेट वगैरह चलता है। तो भाई और बहनों देखिए कितना सुंदर विषय है कि जो कार्य हमारे पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि करते थे, आज वो विज्ञान ने जो है अपनी विज्ञान की धाराओं के साथ में उसको खोज निकाला है और वह इस वाइब्रेशंस के सिद्धांत, फ्रीक्वेंसी के सिद्धांत पे कार्य करता है।